जलगांव में मैं सुमैया अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जहाँ जलगांव में कैंडल मार्च निकाला गया तो वहीं अकोला में दिया गया मुक धरना। आसिफा के साथ हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में वहीं उन्नाव में घटी घटना का विरोध करते हुए जलगांव में हजारों हिंदू मुस्लिम भाइयों और बहनों ने कैंडल मार्च निकाला, तो वहीं अकोला में मुक धरने के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। सभी ने जात पात से आगे आकर बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाने की मांग की और उन्होंने एमएनसी न्यूज चैनल से बोलते हुए अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। निर्भया से लेकर खैला जिस होते हुए खोपड़ी तक जिस प्रकार की घटनाएं बच्चियों पर हो रही थी और देश जिस तरह से आज आक्रोश मना रहा था, उसी वक्त ये सत्ता पे बैठी हुई सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए सत्ता पर आई। और इस देश के महिलाओं को भी ये लगा कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए ये सरकार हमारे साथ हमारे संरक्षण के लिए खड़ी होगी, और इसलिए उन्होंने भर भर के वोट देकर इसको सत्ता में लाया। दुर्भाग्य भी की बात है, कठुआ और उन्नाव की घटना ये सिर्फ कोई दरिंदे ने की हुई घटना नहीं है, उसके साथ साथ राज्य सत्ता उन दरिंदों के साथ खड़ी है, उनको बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये लोग ये घटना नहीं कर सकते। उन्नाव में एक सत्ता में हुआ एमएलए कहता है कि कोई दो बच्चों की मां पर रेप कैसे कर सकता है, ये सवाल पूछता है और अपने ही संसद में अपने ही एमएलए को बचाने की कोशिश करते हैं। कठुआ में जिस तरह से धर्म की सत्ता पर बैठे हुए लोग जिस तरह से बच्ची पर रेप करते हैं, तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये घटना सिर्फ उन दरिद्रों की नहीं है, वो तो है ही है, उसके साथ राज्य सत्ता जिस तरह से उनको संरक्षण दे रही है उसका हम बहुत कड़ी तरह से निंदा करते हैं। और सरकार से ये कहते हैं कि अगर संविधान के तहत हमें दिए गए अधिकार और ये गैर बराबरी खत्म करने की आपने बात नहीं की, तो महाराष्ट्र ही नहीं भारत की ये बेटियां, भारत की ये महिलाएं जिन्होंने पहले से नारा दिया है हम भारत की नारी है फूल नहीं चिंगारी है, ये चिंगारी आपको आग बनती हुई दिखेगी, ये बात ध्यान में ये सरकार ले ले, यही इशारा हम देना चाहते हैं। और आसिफा को न्याय मिलना चाहिए, उन्नावा वाली को न्याय मिलना चाहिए, सूरत वाली को न्याय मिलना चाहिए, इस देश की तमाम उन लड़कियों पर जिन पर अत्याचार है उनको न्याय मिलना चाहिए और ऐसे रेप करने वालों को फांसी होनी चाहिए और उनको साथ देने वाले चाहे राजगद्दी पर बैठे हो उनको भी कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए, ये भी मांग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।